चलो देखो, आपने हेयरकट का सीखा, ठीक है। अभी उसके बाद क्लीन शेव का। अभी क्लीन शेव करने के बाद क्या आएगा, जब किसी कस्टमर को छोड़ना है तब क्या आएगा, क्लींजिंग करेंगे, ठीक है। क्लींजिंग भी करेंगे और क्लींजिंग के स्टेप भी बताऊंगा, कहाँ पर प्रेस करना है, कहाँ पर कैसे करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, फेशियल के भी स्टेप वही रहेंगे। और कोई भी केमिकल करने से पहले हम क्या करते हैं, क्लींजिंग लगाते हैं। क्लींजिंग क्या काम करता है, जो डस्ट पोल्यूशन होता है वो निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी जैसे कि डिटेन, ब्लीच, कोई भी फेशियल करना है तब भी पहले क्लींजिंग करेंगे, ठीक है। तो मसाज के स्टेप करके दिखाओ ना। हाँ चलो, सबसे पहले मैंने क्लींजिंग लिया है, ठीक है। नॉर्मल क्लींजिंग किस तरह से लगाना है, पूरे मुंह पे ठंडा लग रहा है। हाँ चलो, पहले तो पूरे मुंह पे लेप जैसा लगा दो। हाँ उसके बाद स्टेप चलेंगे। हाँ लगा दिया। अभी देखो, ये जो उंगलियां है इसको ऐसे कैंची की तरह बनाना है। देखो यहाँ पर, हाँ ऐसा, देखो ऐसा पहला ये। हाँ उसके बाद इसको लेके ऐसा, हाँ गोल गोल, फिर इसको यहां से ऐसा, और एड बनाना है। क्या बनाना है, आठ अक्षर पता है आपको, आठ अक्षर नहीं पता, फिर ऐसा। हाँ देखो, थोड़ा आप ढीला रखो, चेहरे को पूरा ढीला रखो। हाँ देखो किस तरह से कर रहा हूं मैं, आपको भी ऐसे ही करना है। फिर यहां से प्रेसिंग करके ऐसा करके यहाँ पर लाके यहाँ पर प्रेस करना है, ठीक है। फिर ये फिर से, हाँ अभी दूसरा तीसरा, ये देखो नीचे से। हाँ अभी इसको ऐसा करते करते यहाँ आना है। हाँ फिर से ऐसा, फिर से ये साइड, हाँ फिर ऊपर आना है, फिर से वही स्टेप। हाँ अभी यहाँ से ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा। अब स्किन टाइटनिंग के लिए फेशियल क्यों करा दे, आपको पता है क्या, स्किन टाइटनिंग के लिए तो वो स्टेप भी चाहिए ना, स्किन टाइटनिंग के। हाँ फिर ऐसे, समझ गए। हाँ ऐसे 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 करना है ऊपर, देखो अच्छे से देख लो, ऐसे स्टेप करने हैं। देखो पहला समझ लो ये है, बरोबर। दूसरा कौन सा है, ये है। और फिर यहां से ऐसा 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 ऐसा, फिर ये, ठीक है। ये आगे पीछे कर सकते हो, जरूरी नहीं कि स्टेप बाय स्टेप ही करो, ठीक है। ये स्टेप आप बाद में भी ले सकते हो, फिर यहां से ऐसा करो। हाँ और यहाँ पर भी ऐसा करना है, लेकिन जरूरी नहीं है, जिसको करवाना है वो करवाएगा, जिसको नहीं करवाना है वो नहीं करवाएगा, लेकिन फेशियल के लिए करना पड़ेगा। हाँ ये देखो, अभी ऊपर आना है ऐसे ही लेके, ऐसे। हंस रहे है क्या? हाँ अभी ऐसा देखो, और बहुत बाकी है, ऐसा करो, फिर यहां से ऐसा। हाँ फिर ऐसा करके फिर भी ऐसा है, फिर ऐसा है। हाँ अभी ये देखो, हाँ फिर एक बार गर्म होने के बाद जो पीएच लेवल उबलता है, ठीक है, स्किन का पीएच लेवल जब बनेगा ना, तब आपको ऐसे ठंडावे के लिए करना है। कैसा लग रहा है पंकज? बहुत अच्छा, 200 रुपये लूंगा, चलेगा ना। हाँ देखो इस तरह से, हाँ अच्छे से देखो, आपको भी ऐसे ही करना है। हाँ अभी इसको भी नहीं छोड़ना है, देखो मूंछ को 10 मिनट रोज देते हैं ना, ये मूंछ उखड़ जाएगी अभी ऐसा है। फिर कान को भी थोड़ी मसाज करनी है, ठीक है, ऐसा ढीला रखो, ढीला। सो गाइस, अगर किसी को कोर्स करना है तो मुझे कांटेक्ट करें। अभी ये हमारा जो कोर्स है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो गया था। अभी जो हेयर कट और शेविंग भी कंप्लीट हो गए ऑलमोस्ट। हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस ही बाकी है, ठीक है। अभी केमिकल का स्टार्ट होने वाला है, अगर किसी को कोर्स करना है तो मुझे कॉन्टेक्ट करें। अगर ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं तो मैं ट्राई करूंगा कि अलग से टाइमिंग निकालूं उनके लिए, ठीक है। चलो अच्छे से करो, कैसे स्टेप बताए पता है ना। हाँ किशन पता है ना स्टेप, चलो करो फटाफट, क्या है। जीरो बना, जीरो बना, ओके ओके, चलो चलने दो। यहाँ जीरो बना, सो गाइस देख सकते हो हमारे जो स्टूडेंट है किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठंडी में क्लींजिंग अच्छा लग रहा है। हाँ